ओडिशा सुंदरगढ़ जिला के राजगांवपुर शहर में सरकारी महकमा द्वारा जो सुविधा गरीब को मिलने का प्रावधान केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई है उसका राजगांवपुर शहर में अभी तक नहीं हो रहा है पालन। आपको बता दें कि नगर पालिका द्वारा अभी तक किसी गरीब को सरकार के द्वारा दी जा रही राहत पैकेट का वितरण नहीं हुआ है। यहां तक कि बंजारा गरीब जो शहर में हैं, उन्हें अभी तक लॉकडाउन होने के पश्चात किसी तरह की खाने की व्यवस्था एवं सरकार द्वारा दी गई किसी सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है, जिसका विरोध बीजू जनता दल के टाउन अध्यक्ष राजेंद्र बेहरा, भारतीय जनता पार्टी के टाउन अध्यक्ष शंकर सिंह एवं कांग्रेस पार्टी के टाउन अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद ने अपने अपने वक्तव्य में कहा है कि हमारे राजगांवपुर शहर में अभी तक नगर पालिका द्वारा किसी तरह का राहत पैकेज या भोजन किसी गरीब को नहीं दी गई है, जो एक बेहद निंदनीय घटना कही जाएगी। स्थानीय विधायक डॉक्टर राजन एक्का द्वारा ही सभी गरीबों को दोनों टाइम का भोजन पैकेट लगभग 2000 गरीबों को प्रत्येक दिन बांटा जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी सरकारी महकमा द्वारा किसी गरीब को किसी तरह का भोजन का वितरण नहीं किया गया है। केवल सरकारी पेंशन का ही वितरण की गई है। सूचना के अनुसार अभी भी सरकारी पेंशन कुछ लोगों को वितरण नहीं हो पाया है। नगर अध्यक्षों का कहना है कि सरकारी योजनाओं का किसी गरीब को लाभ नहीं मिलता, जो इस कोरोना महामारी के समय सरकारी कार्य प्रणाली द्वारा किसी गरीब को अभी तक राहत न मिलना अनेक तरह के सवाल खड़ा कर रहा है, जिसका उच्च स्तरीय जांच दलगत अध्यक्ष द्वारा की जा रही है। अभी हम लोग हमारा म्युनिसिपैलिटी एरिया में जो 4330 भत्ता अभी हम लोग डोर टू डोर स्टॉप देकर सबको दे दिया। अभी 100 लोग बच्चे हैं, वो लोग आउट ऑफ स्टेशन है। इसका मजदूर हम लोग पीडीएस राइस जो गवर्नमेंट का जो इंस्ट्रक्शन है अभी कल से हम लोग शुरू किए हैं, हम 2-3 दिन के अंदर ख़त्म कर देंगे। फिर आज कल से हमारा जो गवर्नमेंट का जो अनाउंसमेंट था 3000 रुपया जो रजिस्टर्ड जो हमारा जो था ठेला वाली गाड़ी का जो रजिस्टर्ड हो उन कल से शुरू होगा, उन लोगों को भी हम लोग 3000 रुपया देंगे जिसका रजिस्टर्ड है। हमारा म्युनिसिपैलिटी एरिया में 150 है। हाँ, हम लोग दे रहे हैं पानी का सुविधा, दे रहे हैं खाने का सुविधा, दे खाना का ये कुक फूड भी दे रहे हैं। अभी तो चिन्हट का प्रक्रिया नहीं चल रहा है, सर्वे तो नहीं कर रहे हैं। रास्ते में हम लोग एक स्क्वाड बनाए हैं, रास्ता में जो लोग डिस्टिट्यूट हैं, गरीब हैं, उस ऑन स्पॉट देते हैं। तो हम लोग लास्ट 2 दिन से हम लोग दे रहे हैं, और परसों हम लोग 100 पैकेट्स कुक फूड दिए थे, आज भी दिए हैं। 20 वार्ड ऐसी तो वार्ड तो नहीं है जो जहां पर गरीब और डिस्टिट्यूट होगा, मेजोरिटी टाउन का एरिया में जो बस स्टैंड एरिया, रेलवे स्टेशन एरिया, उस टाइप दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, VSRS न्यूज, राजगांवपुर।